गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 24 ए ग्रुप। कल के क्लास में मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 24 का ए पढ़ाया था, ए पार्ट। आज मैं आप लोग को एक्सरसाइज 24 का बी चैप्टर पढ़ाऊंगी, तो आप लोग ध्यान देंगे। ये अंडे हैं, ये अंडे है पे बिंदु लगाएंगे। ये अंडे हैं, वे अंडे नहीं हैं, वे अंडे नहीं हैं। स्टूडेंट, इस ट्रांसलेशन में दीज और दोज का प्रयोग हुआ है। दीज आर, दोज आर, और उसके साथ निगेटिव सेंटेंस भी लगे हुए हैं। इस सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस भी है। एक्सरसाइज 24 के बी में निगेटिव सेंटेंस भी है और सिंपल भी है, तो हम लोग को दीज आर, दोज आर के साथ नोट भी लगाना है। जैसे ये अंडे है तो इसका क्या बनाएंगे? दीज का मतलब होता है ये, दीज आर एग्स, ये अंडे है, वे अंडे नहीं है। क्या बनाएंगे? दोज आर नॉट एग्स। यहाँ देखिए, यहाँ पे था ए अंडे हैं और यहाँ पे वे अंडे नहीं हैं। तो यहाँ पे ए अंडे है, अगर हम यहाँ पे ए कर देते हैं, देखिए ए अंडे नहीं है, तो हमें यहाँ पे ई लिखना होगा, ई, तो दीज हो जाएगा। देखिए, दीज आर एग्स, ये अंडे हैं, ये अंडे नहीं हैं, तो दीज आर नॉट एग्स। यहाँ पे दीज आर लिख के हमें नोट लगाना होगा, तब एक्स लिखना होगा, क्योंकि अंडे एक से अधिक है, और दीज लगाएंगे क्योंकि अंडे एक, ये अंडे हैं, काफी अंडे हैं यहाँ पे, इसलिए अगर एक अंडा होता तो दिस इज एन एग होता, ये अंडे नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वे गाय है, क्या बनाएंगे? दोज आर काउज, वे गाय है। अब देखिए, यहाँ पे वे गाय है और यहाँ है वे गाय नहीं है, यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है, वे गाय नहीं है। वे गाय नहीं है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग नोट लगाएंगे, दो मींस होता है वे, दोज आर नॉट, नॉट मीन्स नहीं, और गाए तो हम लोग काउज लिखेंगे। दोज आर वे गाय नहीं है, दोज आर काउज, और वे गाय हैं, तो दीज आर काउज, और वे गाय नहीं है, नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम लोग दोज आर लिखकर नोट लगा के तब काउज लिखेंगे।
Those are not cows. ये बिल्लियां हैं. ये बिल्लियां. ये बिल्लियां हैं. क्या बनाएंगे? दिस आर कैट्स. दीज देखिए ये बिल्लियां हैं तो दीज आर कैट्स. वे बिल्लियां नहीं है. क्या बनाएंगे? ए बिल्लियां हैं और ये बिल्लियां नहीं है. यहाँ पे ए होगा, ये बिल्लियां नहीं है तो क्या लिखेंगे? दीज. अगर वे होता है तो दोज. दीज आर नॉट कैट्स. देखिए यहाँ पे है ए बिल्लियां है तो मैंने बनाया है दीज आर कैट्स. और यहाँ पे ये बिल्लियां नहीं है तो दीज आर नॉट कैट्स. क्योंकि ये बिल्लियां नहीं है तो हम नहीं के लिए नॉट लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद. ये बिल्लियां नहीं है. उसके बाद क्या है? बे टोपिया है. बे टोपियां है. उसके बाद क्या था? बे टोपियां नहीं है. बे टोपियां है और यहाँ पे देखिए बे टोपियां नहीं है. क्या बनाएंगे? दोज आर कैप्स. कैप्स होगा. कैप मीन्स टोपी होता है. दोज आर कैप्स. यहाँ बे टोपियां नहीं है. दोज आर नो कैप्स. तो स्टूडेंट यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बे टोपिया है तो हमने लिख दिया दोज मीन्स बे. तो दोज आर कैप्स. कैप्स मीन्स टोपिया. दोज आर कैप्स. यहाँ देखिए बे टोपिया नहीं है तो यहाँ दोज आर नॉट कैप्स. यहाँ पे नोट लग गया. नेक्स्ट देखिए ये आंखें है. ये आंखें नहीं है. ये आंखें हैं. ये नहीं है. तो आईज मीन्स आंखें होती है ना. दीज आर आईज. दीज आर आईज. यहाँ पे नॉट होगा ना.
दीज आर नॉट आईज. तो देखिए यहाँ पे था ए आंखें हैं, तो दीज आर आईज ये आंखें नहीं है, तो क्या होगा, दीज आर नॉट आईज. आप लोगों को समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट ये जो ट्रांसलेशन है आप लोग का एक्सरसाइज 24 का बी, इसमें यूज ऑफ दीज, दीज आर और दोज आर नॉट. दीज आर मतलब ये, दोज आर वे और नॉट विश नहीं. तो ये सारे सेंटेंस में दीज आर दोज आर का प्रयोग हुआ है और एक लाइन के बाद उसमें नॉट का प्रयोग हुआ है क्योंकि हमारे वाक्य में नहीं लगा हुआ है. जैसे देखिए ये अंडे हैं, तो इसके लिए दीज आर एग्स, ये अंडे हैं. यहाँ देखिए ये अंडे हैं, तो हमने क्या बनाया, दीज आर एग्स, ये अंडे हैं. यहाँ देखिए ये अंडे का हो गया, ये अंडे नहीं है, ये अंडे नहीं है, तो दीज आर नॉट एग्स. ये अंडे है, दीज आर एग्स, ये अंडे नहीं है, तो दीज आर नॉट एग्स. बे गाये हैं, बे गाये हैं, दोज आर काउस. और देखिए बे गाये नहीं है, तो दोज आर नॉट काउस. ये बिल्लियां हैं, तो दीज आर कैट्स. ये बिल्लियां नहीं हैं, दीज आर नॉट कैट्स, ये बिल्लियां नहीं है. यहाँ देखिए बे टोपियां हैं, तो कैप मीन्स टोपी होता है, हैट मीन्स भी टोपी होता है. हैट मीन्स गोल वाली टोपी और कैप मीन्स जो यहाँ पे कैप निकला होता है वो टोपी. यहाँ देखिए बे टोपियां है, तो दोज आर कैप्स. बे टोपियां नहीं है, दोज आर नॉट कैप्स. ये आंखें हैं, दीज आर आईज. ये आंखें नहीं है, दीज आर नॉट आईज. ये आंखें नहीं है. स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रही है? चलिए रीडिंग कर लेते हैं एक बार लास्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का शिकायत होता है उनको रीडिंग नहीं आती है, इसलिए मैं बार बार रीडिंग करवा देती हूँ. आप ध्यान देंगे, ये अंडे हैं, दीज आर एग्स. ये अंडे नहीं है, दीज आर नॉट एग्स. बे गाये हैं, दोज आर काउस. बे गाये नहीं है, दोज आर नॉट काउस. ए बिल्लियां हैं, दीज आर कैट्स. ए बिल्लियां नहीं है, दीज आर नॉट काउस कैट्स. ये बिल्लियां हैं, दीज आर कैट्स. ए बिल्लियां नहीं है, दीज आर नॉट कैट्स. बे टोपियां हैं, दोज आर कैट्स. बे टोपियां नहीं है, दोज आर नॉट कैप्स. ये आंखें हैं, दीज आर आईज. ये आंखें नहीं है, दीज आर नॉट आईज. तो स्टूडेंट्स आप लोग को एक्सरसाइज 24 का ट्रांसलेशन समझ में आया? इसी तरह अगर रहेगा कि ये पुस्तकें हैं तो क्या बनाएंगे, ये पुस्तकें हैं तो बनाएंगे दीज आर बुक्स. ये पुस्तकें नहीं है, दीज आर नोटबुक्स. और वे कॉपियां हैं तो क्या बनाएंगे, दोज आर कॉपीज. और वे कॉपियां नहीं है तो दोज आर नोट्स कॉपीज. ये कुर्सियां हैं, दीज आर चेयर्स. ये कुर्सियां नहीं है, क्या बनाएंगे, दीज आर नॉट चेयर्स. उसके बाद ये पंखे हैं, दीज आर फैंस. ये पंखे नहीं है, दीज आर नॉट फैंस. ये सब्जियां हैं, दीज आर वेजिटेबल्स. ये सब्जियां नहीं है, दीज आर नॉट वेजिटेबल्स. आप लोग को आ रही है समझ में? उसके बाद देखिए ये गुड़ियां हैं, दीज आर डॉल्स. ये गुड़ियां नहीं है, दीज आर नॉट डॉल्स. वे खिलौने हैं, दोज आर टॉयज. वे खिलौने नहीं है, क्या बनाएंगे, दोज आर
नोट ट्वाइस। तो स्टूडेंट्स आप लोग को एक्सरसाइज स्ट्रेटजी 4 समझ में आए, मुझे बताएं, कमेंट करें। आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियो को, लाइक करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।